अपने हद से बढ़कर करना है, क्योंकि प्रभु देखता है कि आप क्या करना जा रहे हैं, और जब वो देखता है कि आप पूरी दिल से पूरी रीति से काम करने जा रहे हैं, वो कभी हमको खाली नहीं छोड़ता है। कई बार हम परमेश्वर को ऐसा समझते हैं कि वो वेटर है। कभी आप खाना खाने गए हैं किसी होटल में, जब खाना खाने जाते हैं कोई बच्चा आता है या कोई वेटर आता है, आपको खाना देता है, तो खाने का बिल शायद होगा 500 रुपया 535 रुपया। तो 5 रुपये का एक सिक्का आता है, हम छोटू के ऊपर एहसान कर देते हैं, ये 5 रुपये लेके जाओ। कभी ऐसा नहीं करना। मैं जब भी जाता हूँ किसी होटल में या रेस्टोरेंट में, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बढ़िया टिप दूँ, सबसे बढ़िया टिप दूँ, उसका नाम पूछूँ, आप है कौन। अगर जो मुझे खाना खिला रहा है उसका नाम पूछना तो बनता है ना, आप है कौन। कई बार हम ये सारी बातें भूल जाते हैं और हम ना यीशु मसीह को टिप दे देते हैं, छोटी सी 10 रुपये दी टिप, 20 रुपये दी टिप। टिप समझते हैं? वो आपकी टिप का मोहताज नहीं है, वो आपकी टिप का एक्चुअली मोहताज नहीं है। आज हमने ये बात को समझ लेना है, हमने बेस्ट करना है। आपके 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 हाथ में जो भी है उसका बेस्ट करिए। ये कोई दबाव नहीं है, ना ये कोई पैसा निकालने की टेक्निक है, ये एटीट्यूड है। हम परमेश्वर को कैसा देखते हैं, हम जैसा उसको देखते हैं उसके साथ हम वैसा ही बर्ताव करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर को वैल्यू करें, वो वैल्यू दें खुदावन को कि खुदावन तू मेरे लिए सबसे पहले है। तो जो जो बचा हुआ है या जो जो मेरे पास एक्स्ट्रा है उसमें से नहीं दूंगा, मैं खास तौर पे तेरे लिए बनाऊंगा। किसी किसी के घर में आप गए हैं, किसी को ने आपको खाने के लिए बुलाया है और 3 दिन पहले का खाना जो बचा हुआ था वो आपको खिला देंगे तो कैसा रहेगा? आप कभी पलट के उनके घर पर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 3 दिन पहले उनका खाना बचा हुआ था वो खाना आपको खिला दिया, आपको बहुत बुरा लगेगा। कई बार हम परमेश्वर के साथ ऐसा डील कर रहे हैं, जो हमारे पास बचा हुआ है उसमें से दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जो है उसमें से आप पहला स्थान दीजिए, समय में, पैसे में, आपके दिल में। आपके दिल में कितना स्थान है उसका, आपके दिल में क्या जगह है। दिल में भी आखिरी में, जब पूरा दिन में मैं सवेरे उठ के दिहाड़ी लगा के थक गया, आखिरी में सोने जा रहा हूं, खुदाया तेरा शुक्रिया। ऐदिया ऐसे आपकी शादियां भी नहीं चलने वाली। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी शादियां भी मुश्किल में है। सोने से पहले आई लव यू डार्लिंग, सो गए, नहीं चलेंगी ऐसी शादियां आपकी। क्योंकि अगर आपने कुत्ता भी पाला है ना तो उसको भी टाइम देना पड़ता है, उसको भी पूछना पड़ता है भैया खाना खाया नहीं खाया, उसको टहला के लेके आना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। ये तो परमेश्वर के साथ रिश्ता है, इसको हमने, क्योंकि वो दिखता नहीं है इसलिए हमने आखिरी, बिल्कुल आखिरी, जब हम एकदम मरने की हालत में हैं, खड़े भी नहीं रह सकते, आंखें बंद हो गई, हालेलुया धन्यवाद, चप, उसके बाद कोमा में चले गए। ख्वाबों में प्रेयर करते हैं हम, ख्वाबों में जी नहीं। कई लोग प्रेयर ऐसी करते हैं, कई बार देखा है वो वैसे बैठे रहते हैं, मैं दर्शन देख रहा ऐसी, नहीं ये प्रेयर नैप है, मैं इसको नींद वाली प्रेयर बोलता हूं। तो हम ऐसा ना करें। पिछले हफ्ते आप मेरे साथ थे और हम बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे दर्शनों की, दर्शन, और हम यूसुफ की जिंदगी में से कुछ बातों को सीख रहे थे, दर्शन। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर के साथ जब हमारी शुरुआत होती है, शुरुआत अच्छी होती है, जोश में शुरुआत होती है, हालेलुया ये हम करने वाले हैं, परमेश्वर ने दिखाया है ये होने वाला है, बीच में आते आते बलून में से हवा निकल जाती, फुस, उसके बाद सोच रहे हैं कहीं ये मेरे दिमाग ने तो नहीं मुझे दिखा दिया, ये कहीं मैंने अपने आप को तो ये दर्शन नहीं दे दिया, कहीं मैं अपने हिसाब से तो नहीं हो गया हूं। ये हमारे दिमागों में सोच आने लगती है, क्योंकि परमेश्वर ने दिखाया था एक चीज, हो दूसरी चीज रही है। मेरी जिंदगी के हालात और जो परमेश्वर का दर्शन है ये दोनों कहीं पर मेल नहीं खा रहे, और यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम गवाहियों को सुनते हैं कि आज मुझे एक घर मिल गया, आज मुझे एक नौकरी मिल गई, आज मेरा बिजनेस चल गया, मेरी शादी हो गई, मेरा बच्चा हो गया, मगर वो बीच का जो हिस्सा है जब आप धक्के खा रहे थे, अपने ही आंसुओं को आप खुद पी रहे थे, वो बात हम कभी डिस्कस नहीं करते। जब आप नौकरियों के लिए जा रहे थे और बार बार आप अपना बायोडाटा देते थे और लोग बोलते थे कि नहीं साहब आपकी ज़रूरत नहीं है, वो बात हम करते नहीं है। जहां निराशा की बात है चर्च में, ओ मुझे नौकरी मिल गई, मगर वो 10 बार जब आपने बायोडाटा दिया और आपकी नौकरी नहीं मिली, फिर
वो बात हम क्यों नहीं करते? आज शायद मैं वो बात सिखाना चाहता हूं, स्ट्रगल सिखाना चाहता हूं। कई बार मसीहत का मतलब ऐसा लगता है कि एक ऑटोमेटिक कार है जिसमें जाके आप बैठोगे और दरवाजा बंद करके बैठ जाओगे और आपकी गाड़ी चल निकलेगी। नहीं साहब, चलानी पड़ेगी आपको। यीशु मसीह का कलाम यूं कहता है, बाइबल यूं कहती है कि वर्किंग ऑफ द मिरेकल्स, कि मिरेकल्स को करना पड़ता है। जब यीशु में जब पतरस और यूहन्ना ने वो जो सुंदर गेट के ऊपर बैठे हुए लंगड़े को चलाया और उसने खाली बोला नहीं, ए लंगड़े चल खड़ा हो जा, ऐसा नहीं हुआ। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, उन्होंने उसको खींच के खड़ा किया। खड़ा नहीं हो रहा था, जुगत लगानी पड़ी, उठ यीशु मसीह के नाम में। वो पागलपन दिखाना पड़ा, वायलेंस दिखानी पड़ी स्पिरिट में। हम में से कई बार यूं करते हैं, हमारा पैसा नहीं आया, कोई बात नहीं, रब दे देगा, घर नहीं हो रहा। आप आत्मिक रीति से वायलेंट हो जाइए। मैं ये नहीं बोलता हूं एक दूसरे के मुंह नोच लो, मगर आत्मिक रीति से वायलेंट हो जाओ। शैतान तुम्हारे घर में से एक बूंद दूध की भी नहीं ले जा सकता, उसका कोई अधिकार नहीं है। अगर आप अपने इन बारों में आप सचेत नहीं है, तो एक एक करके चीजें निकल जाएंगी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि यीशु मसीह ने कहा है कि वचन चोरी होता है, नींद आती है। वैसे आप जागे रहोगे एक उल्लू की तरह, मगर जैसे ही प्रेयर और वचन करने जाते नींद आती है, चोरी हो रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, चोरी हो रहा है, ये स्पिरिचुअल अटैक है। इसके विरोध में प्रार्थना करिए, फास्टिंग में जाइए। मैं जानता हूं थकावट होती है, मगर ऐसी कोई थकावट नहीं है। खाली वचन के समय क्यों सोते हैं? पिक्चर देखते हुए क्यों नहीं सोते? ये एक 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 अटैक है, ये सांप का अटैक है जो आपको सुनने नहीं देता। यीशु मसीह कहता है कि कुछ दाने राहों पर गिरे जिनको परिंदों ने चुग लिए। ये वो वाले परिंदे हैं जो आपके अंदर वचन को बैठने नहीं दे रहे। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आप प्रार्थना करेंगे। मैं आज आपके साथ बात करने जा रहा हूं फोकस की। अगर दर्शन है तो दर्शन के बीच में कहीं ना कहीं फोकस है। फोकस, फोकस का मतलब पंजाबी में कुछ बता सकते जी? हाँ, ध्यान, ध्यान, ध्यान। आपका ध्यान किधर है? आपका ध्यान किस तरफ है? है दर्शन, मैं चला हूं प्रभु की सेवकाई करने, मगर मेरा ध्यान किधर है? सेवकाई प्रभु की कर रहा हूं, मगर ध्यान है कि मेरा कुछ नहीं बनया यार, मेरा भी तो कुछ बनना चाहिए। प्रभु के लिए आपा मर रहे हैं, रल रहे हैं, जो भी हो रहा है, मेरा कुछ बनना चाहिए। ध्यान मेरा इधर है, चाहिए हमको चंगाई। जैसे ही चंगाई मिलेगी तो सबसे पहली कीकल करूंगा, मैं सरकारी नौकरी के लिए आवेदन भरूंगा, सरकारी नौकरी में जाऊंगा। ध्यान मेरा उधर है। मेरे को जिस दिन बच्चा मिलेगा, तो बच्चा मिलते ही पहला काम क्या करूंगा? अपने बच्चे को दुनिया के सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट में डाल दूंगा और उसको पढ़ा लिखा के एक बड़ा कोई चीज बनाऊंगा मैं। ध्यान मेरा इधर है, फोकस किधर है आपका? मैं फौरन जाना है, फौरन चले गए, उसके बाद क्या करोगे? ब्याह कर लेंगे, ब्याह करके की करोगे? उधर दी पीआर ले लेंगे। परमेश्वर दी की बढ़ाई हुई इसमें? ध्यान तेरा किधर है? जे तू यह कहनिया कि मैं उधर फौरन जाके खुदावन तेरे नाम नू उच्चा करांगी, मैं तेरे काम करने जा रही हूं, मैं अपने लिए नहीं जा रही हूं, ऐसे जाओगे। जिनकी शादियां रुकी पड़ी हैं, खुदावन मैं आज अपनी शादियों को आपके हाथ में डेडिकेट करता हूं। परमेश्वर ये शादी नहीं है, ये तेरी कलीसिया मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे हैं वहां पर। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर आप इस तरीके से, आपका ध्यान किधर है? आपका हमारा सारा ध्यान है अपनी दुनिया बनाने में, अपनी दुनिया बसाने में। और क्योंकि हम अपनी दुनिया बसाने लगे हैं, कुछ नहीं बस रहा। आज आपको एक चाबी देना चाहता हूं। अगर आप फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, आप अपनी लाइफ को परमेश्वर के हाथ में डेडिकेट करो। खुदावन, अगर मेरी चिंदी भी है तो वो भी तेरी है, मेरी जेब में फटा हुआ 10 का नोट है वो भी तेरा है, अगर 2000 का नोट आया वो भी तेरा है, करके देखो। मगर जैसी 2000 आएगा ना, तो मुट्ठी ऐसे पकड़ के पीछे लुको लेनी है।
अभी 10 का कोई प्रॉब्लम, ले जा यार ले जा, 10 की क्या वैल्यू है। जिस दिन 2000 आया वो जेब छुप जाएगा, कहां कहां है, नहीं है। एक बार ऐसा हुआ, एक भाई साहब है पंजाब में, वो कहते हैं, मैं जनरली बात कर रहा था उनसे कि क्या भाई साहब आपकी लाइफ में कैसा चल रहा है। मैं कह रहा यार आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं तो आपने सेविंग कैसे करी है अपने बुढ़ापे के लिए। तो कहते पास्टर जी आप अपने हो, आपको सच बताता हूँ, मैंने सेविंग करी है 10 लाख रुपए। मगर मैंने कहा आपका बेटे से मेरी बाहर बात हो रही थी, उसने तो बोला आपके पास पैसे ही नहीं है। कहता जिस दिन मैंने बोल दिया ना मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, 10 सेकंड नहीं लगेंगे इनको, सबकी जरूरतें उसी दिन पैदा हो जाएंगी। मगर है जेब में बताता नहीं, और बाहर बेटा बोल रहा है मेरा डैडी बड़ा गरीब है, मैं कितना का इलाज कराऊं। मैंने कहा अंकल जी इतना काम कितना की होया, कितने गए किधर आपके पैसे। कहता मैं बताता नहीं हूं। तो शायद कहीं आपका भी हाल ऐसा तो नहीं है, बताते नहीं हो। बताओ अगर खुदावन को तो बताओ, उसको तो वैसे ही पता है तुम्हारे बैंक में कितने जीरो हैं, कितने चेक बाउंस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उसको सब पता है। ठीक है, लोग शायद उसका फायदा उठाते हैं, मगर परमेश्वर फायदा नहीं उठाता, परमेश्वर इस्तेमाल करता है। लोगों के हाथ में आप अपने आप को दे दोगे तो वो आपका अब्यूज करेंगे, परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दे दोगे वो आपका यूज करेगा। आमेन। अगर आपके पास आपकी बाइबल्स हैं तो उसको लूका रचित सुसमाचार 2:41 में खोल लीजिएगा। उसका 2:41 से लेके 52 तक हम पढ़ेंगे। अगर आपको मिल गया है तो एक बार जोर से आमीन बोल दीजिएगा। ओके, जिन्हें लोग बाइबल लेके आए हालेलुया बोलिए, जो लाना भूल गए हैं वो बोलेंगे अगली बार लाऊंगा। जिन्हें कोल है नहीं और मोबाइल रखा हुआ वो भी एक बार आमीन बोलो। अरे सारे बढ़िया लोग हैं हमारे। बंदा एक घर में और मोबाइल 4, और बंदे 10 घर में बाइबल 1। शाबाश। चलो जी आज थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। हालेलुया, कलाम निकाल दिया, चलिए मिलके पढ़ते हैं। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह का पर्व मनाने पर्व में यरूशलम को जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलम में रह गया। सब बोलो वो यरूशलम में रह गया। और उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा एक दिन का पड़ाव निकाल गए और अपने कुटुंबियों को जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलम को लौट गए और 3 दिन के बाद उन्हें उस मंदिर के उपदेशकों के बीच में बैठा हुआ उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। जब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा कि हे पुत्र तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया, देख तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते थे, क्या नहीं जानते कि तुम मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। परंतु जो बात उसने उससे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। यहां पे 2 बातें बड़ी खूबसूरत हैं। पहली बात, यीशु मसीह को वो मंदिर में भूला है। यहां पे कितने माँ बाप बच्चे हैं, माताओं के बच्चे, माता पिता। ओके जी, बच्चे जब छोटे होते हैं, अरे सही से हाथ दिखाओ, कई बच्चे गुम गए क्या तुम्हारे, नहीं घूमे, कई भी बच्चा गायब हो जाता है तो माँ बाप का दिल कैसे होता है। एक दिन तक उनके पास में उनका बच्चा नहीं है, उन्होंने खबर ही नहीं है, कमाल की बात है। कोई तो कहे यीशु गुम गया, यीशु गुम गया। आज शायद मैसेज की टाइटल यही है, यीशु गुम गया, यीशु गुम गया, गवाच गया, है ना, यही पंजाबी है ना, गवाच गया।
आपा यस्सु नु गवाच दिया, ठीक है जी, यस्सु गवाच गया। मजेदार बात है, ये एक पारिवारिक ऐसा समझ लीजिए एक रिचुअल है, या एक परिवार में, हर परिवार में कुछ ना कुछ रीति रिवाज होते हैं। जैसे कुछ परिवारों के अंदर वो लोहड़ी आती है तो वो खाते हैं, क्या नाम है, रौ की खीर खाते हैं। कुछ परिवारों के अंदर अगर जैसे ही कुछ बैसाखी आती है तो उसमें कुछ अच्छा सा खाना बनता है या कुछ अच्छे कपड़े पहनते हैं, अलग अलग क्रिसमस के दिन कुछ हम अलग अपना कुछ, हर परिवार का कोई ना कोई ट्रेडिशन होता है जो एक दूसरे के साथ फॉलो करते हैं। और ये लोग एक धर्म के सिस्टम में थे, और ये फसह का पर्व मनाने के लिए नासरत से यरूशलेम को जाया कर रहे थे। फसह का पर्व, मैं आपको बता देता हूं होता क्या है। जब मिस्री लोग इज़राइल के ऊपर बलवंत थे और परमेश्वर इज़राइल को मिस्र से निकालने वाला था, तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा ये बात कही कि एक मेमना लेना, उसको काटना और उसके लहू को अपने दरवाजे के आजू बाजू लगा देना, और वो मौत जो तुम्हारे पर होनी है वो तुम्हारे ऊपर नहीं होगी, और जो तुमको सताते हैं उनके ऊपर मौत आएगी। ऐसा ही हुआ, मिस्रियों के जो जितने भी पहलौटे थे, क्या जानवर क्या इंसान, वो सारे मार दिए गए, मगर जिन दरवाजों के ऊपर वो लहू लगा था, वो मेमने का लहू लगा था, वो मेमने के लहू के अंदर मौत घुस नहीं सकी। मेमना कौन है? अगर हम वो मेमने की बात कर रहे हैं जो एक जानवर मेमना है, वो लहू केवल एक एग्जाम्पल था। जो मेमना परमेश्वर ने हमें दिया वो सच्ची कहानी थी। फसह का पर्व मनाने के लिए वो परमेश्वर के मेमने को अपने साथ लेकर गए, और वहां पर वो फसह का पर्व मनाने लगे। कमाल की बात है, दो लोग इस बात के सबसे ज्यादा गवाह हैं कि यीशु कौन है। मरियम नंबर वन, परमेश्वर का स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और कहता है कि परमेश्वर की नजरों में तुझे फेवर मिला है और तू उद्धारकर्ता को जनने वाली है। मरियम बोलती है, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं ये काम करूंगी, और परमेश्वर उसकी कोख में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु को बिठाता है। दूसरा बंदा जिसको ये पूरी बात मालूम थी वो था यूसुफ। यूसुफ ये जान के कि मरियम प्रेग्नेंट हुई है बिना शादी के, उसको छोड़ने वाला था, मगर परमेश्वर का स्वर्गदूत यूसुफ के पास जाता है और यूं कहता है कि उद्धारकर्ता उसकी कोख में है, इसको छोड़ना नहीं। और ये दोनों आदमी इस बात के गवाह हैं कि वचन देहदारी हुआ और मरियम की कोख में चलने लगा। जो उनके सामने घूम रहा था वो यशाया की हुई भविष्यवाणी है, जिसको मूसा को 1,000-1,500 साल पहले मालूम था कि ये वो मेमने, वो जो मेमने का वो जो उसने किया वो मेमना यही था। अगर किसी को मालूम था कि खुदा उनके साथ है, वो थे मरियम और यूसुफ। और कई बार जब खुदा हमारे साथ होता है हमारी समझ में आता है नहीं। अगर खुदा हमारे साथ है तो हमारे ऊपर इतनी तकलीफें क्यों आ रही हैं? अगर खुदा को मैं जन्म देने वाली हूं तो मेरे पास एक कमरा तक नहीं है। ये कौन सा खुदा है जो अपने लिए कमरे भी इंतजाम नहीं कर पाता, और मैं खुदा को जन्म देने वाली हूं और मेरे को कहां मिलती है? भेड़ बकरियों की लीद, उसके बीच में कौन सा इंसान खुदा को जन्म दे सकता है? खुदा, मगर मजेदार बात यह भी थी, यीशु उस भेड़ बकरियों की लीद के बीच में पैदा हुआ और वहां पर चमत्कार हुआ। तीन मजूसी आए, सोना मर और लोबन लाए। सोना मर लोबन हेरोदेश के बंगले में नहीं था, उसके महल में नहीं था, सोना मरलोबन वो बकरी की लीद के बीच में था। परमेश्वर ने अपना मेमना पैदा करना था, और मेमने को पैदा करने के लिए उसने एक चारागाह को ही चुना। और मेमना जैसे ही पैदा हुआ, चरवाहे जंगल में सोते थे, स्वर्गदूत चरवाहों के पास गए कि बोले तुम्हारे लिए एक राजा आया है। हेरोदेश के पास महल था मगर उसके पास गिफ्ट नहीं था। हेरोदेश के पास महल था मगर चरवाहे अपने राजा हेरोदेश को छोड़कर एक 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 चारागाह के बाहर खड़े थे और वो होसैना का गीत गा रहे थे।
जब परमेश्वर आपके साथ होता है शायद आपकी हालात समझ में ना आए, मगर परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है। हो सकता है तेरी जेब में पैसे नहीं है, मगर खाना तेरी पेट में है कि नहीं है। उस औरत के बारे में मैं अभी भी सोचता हूं जिसके पास मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में जरा सा तेल था, मगर जब तक अकाल चलता रहा उसका तेल नहीं मुका, उसका आटा नहीं मुका। कोई तो कहे हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके जीवन में है, अगर यीशु मसीह आपके जीवन में है, हालात इश्यूज आते रहेंगे, तेल का पैसा ऊपर जाता रहेगा, 200 रुपए का सरसों का तेल बिकता रहेगा, मगर ना जाने कैसे ना तेरी दिहाड़ी बढ़ेगी, ना तुझे तेरी नौकरी मिलेगी, मगर ना जाने कैसे ना तुझे भीख मांगना पड़ेगा, मगर ना जाने कैसे तेरी जरूरतें सारी पूरी हो जाएंगी। ये इशू का होना है, ये इशू का होना है, और कई बार हम इसको समझ नहीं पाते। हमको लगता है इशू अगर मेरे जीवन में है तो मेरा जीवन 5 स्टार होना चाहिए। इशू मसीह की जिंदगी से सीख लो क्या 5 स्टार था, क्योंकि चर्चेज में यह प्रचार नहीं है। अगर चर्चेज में यह प्रचार होने लगेंगे वहां की चर्चों की भीड़ खाली हो जाएगी। वहां पे प्रचार सिर्फ एक बात का होता है, चंगाई, शिफा, मिरेकल, फौरन जाएंगे, शादी होगी, वो सारी बातें मैं मानता हूं, क्या यहां पर नहीं होती, मगर सच्चाई भी एक चीज है। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, क्योंकि लोग आजाद होना नहीं चाहते, वो बंधनों में बंधे रहना चाहते हैं, उनकी समझ सिर्फ इतनी सी ही है। आज बोलो कि खुदावन अगर आप मेरी जिंदगी में है तो आज मेरी समझ को खोलिए, बोलिए, ये प्रार्थना कीजिए। मैं जानता हूं हालात काफी ओवरवेलमिंग होते हैं। जो कभी भूखा नहीं रहा उसको भूख के बारे में पता नहीं है, जो किसी बात को तरसा नहीं है उसको उस बात के बारे में पता नहीं है। आपको ये हालात मेरे साथ भी थे, ये हालात मेरे साथ भी थे, क्योंकि हम किसी और फेथ में थे। और बाइबल यू बताती है कि जब भी आप परमेश्वर के पास आओ विश्वास के साथ आना चाहिए। मैं कई पहाड़ों पर चढ़ गया, कई जगहों के ऊपर मैंने चादरें चढ़ा दी, कई जगहों पर रोजे रख लिए, ये सब करने के बाद भी मेरे पास विश्वास नहीं था। मैं चाहता था कि मेरे हालात बदल जाएं। शायद चर्च में आना यह दिखाता है कि विश्वास है। नहीं नहीं नहीं, अविश्वासी भी चर्च में गया। मैं जब पहली बार गया था तो मेरे पास कोई विश्वास नहीं था। मैं अगले 2 साल तक 3 साल तक चर्च जाता रहा, मेरे पास कोई विश्वास नहीं था। मुझे कोई समझ भी नहीं थी कि विश्वास होता क्या है। मुझे बस एक प्रॉब्लम मालूम थी कि मेरे घर में एक प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी, और 3 साल तक वही प्रॉब्लम चलती रही। मालूम है क्यों? क्योंकि मेरे पास विश्वास नहीं था। मेरे को मालूम था कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मुझे अपनी जिंदगी का प्रॉब्लम सॉल्व, और प्रॉब्लम भी तब तक नहीं मालूम चली थी जब तक कि मेरे घर की बिजली नहीं कट गई थी, पानी नहीं कट गया था, लोगों ने राशन देने से मना नहीं कर दिया था। थैंक यू। तब तक मुझे प्रॉब्लम का पता नहीं था, क्योंकि माँ बाप शायद अपने बच्चों को बताते नहीं थे। हम पौड़ी पौड़ी चढ़ते जा रहे थे और हमको लग रहा था कि पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा और प्रॉब्लम उतरती जाएगी। मैं बहुत पौड़ियाँ चढ़ाऊँ, मैं बहुत जगह पे जाकर लंगर खाया भी है, बांटा भी है, बनाया भी है, और बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया मैंने। और मेरे दिमाग में कहीं ऐसा था कि शायद मामला चंगा हो जाएगा। हुआ नहीं। हमारे साथ भी ऐसा है, हम चर्च में बैठ जाते हैं बिना विश्वास के, क्योंकि हमें यीशु मसीह का पता नहीं है। हम बिना विश्वास के किसी भी चीज को करने लगेंगे, आपको पता नहीं है। बाइबल बताती है जब आप परमेश्वर के पास आए विश्वास के साथ आए, घर छोड़कर मत आइए, उसको लेकर आइए। होता क्या है, चर्च में गए, बात बनी नहीं यार, यीशु को चर्च में ही छोड़ दो यार, मंडे को कादियां वाले बाबा के पास चलेंगे, कादियां वाला बाबा करेगा काम। मंडे को सारे जन मोटरसाइकिल पे बैठ के चारों के चारों और 2-4 और पीछे लगा लिए, सारे के सारे कादियां वाले बाबा के पास पहुंच गए। बाबा जी हाडा हल करो। मेरी गल समझ नहीं आंदी, जे कादियां वाला बाबा उन्हां दा हल कर देंदा तो उन्हां दे बंगले कनेडा ही छोने ही, जो बाइडन दे नाल उन्होंने बैठना ही यूएस सेनेट में, तड़े कोल क्यों बैठे जे, और तैनू चर्च से निकाल के बहला फुसला के कादियां वाले बाबा के पास लेके जा रहे। मजेदार बात है, कादियां वाला बाबा कादियां में क्यों है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो। जे बाबा जी दे कोल इन्ना बल होंदा ही तो बाबा जी पहला ने कनाडा जाते,
अभी आप सारे हंस रहे हैं मगर ये हमारी कहानी है। फिर इस चर्च से बाहर जाएंगे वो, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है पीछे कौन है। कई बार बंदे आते हैं, मैं क्या तू एक कराया? नहीं, मैं कदे भी नहीं गया। याकूब की पत्री आप जब पढ़ेंगे ना, जब बुजुर्गों, जब कलीसिया का कोई बंदा आए आपके पास, बुजुर्ग आए, अपने गुनाहों को मान लीजिए, आप शिफा पाएंगे। याकूब 4 को घर जाके आराम से पढ़ना। गल छुपाने से कोई गल नहीं बांधी, गल छुपाने से गल बढ़ती है। हम सोचेंगे हम अपने गुनाह को कारपेट के नीचे रख देंगे, कभी तो साहब उठेगा ये, एक ना एक दिन महकने लगेगा। जब महकने लगेगा तो ढूंढोगे कहां से आ रहा है, फिर आपको कारपेट खिसका के देखना पड़ेगा है कौन। कादियां वाले बाबा जी, यीशु मसीह को हमने पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। अब कादियां वाले बाबा जी से भी कुछ नहीं हुआ, जुगाड़ कर लेते हैं। वो पीआर के लिए कौन सी शादी करवाते हैं, वो क्या 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 बोलते हैं वो शादी को, वो जो नकली मैरिज, हाँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। कादियां वाले बाबा जी के पास हो गए, अब हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे। हाँ जी कर लो जी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, कई पास्टर करवाते भी हैं। मैं तो एक पास्टर को जानता हूँ जो साहब नकली वीजा पे बच्चों को बाहर ले जाते, बिशप हैं वो, नकली वीजा। तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लीजिए। फिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली, आपको मालूम है आप क्या कर रहे हैं? बाहर जाने के लिए अपनी जिंदगी एक गधे के हाथ में दे दी आपने। गधा जैसा चाहे वैसा चलाएगा। एक भाई साहब है, सिक्स पैक वाला डूड है, इधर टट्टू उधर टट्टू, हेल्दी हट्टा कट्टा 6.5 फुट का भाई साहब ने एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जिससे कि उसकी आंखें खराब थी, तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के $20,000 भी दे दिए। $20,000 कम नहीं होते, $1.5-2 लाख दे दिया। अब मैरिज वाली बोलती है मैं तुझे तलाक नहीं दूंगी, ब्याह कर मेरे नाल रह। 2 साल हो गए, बहन जी ने तलाक नहीं दिया उसको, करा लो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। अब बोलते पास्टर जी प्रेयर करो तलाक दे दे। मैं क्या मेरे से पूछ के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी तूने? कादियां वाले बाबा के पास जा, वो कराएगा तलाक तेरा। मैं हूं स्यापा समझ गया, जिनने भी कादियां वाले बाबा के पास गए ना, मैं नहीं उनके लिए प्रेयर करनी। खुद दुआ करो, फास्टिंग करो, अपना उतारो। मैं क्यों मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालूं भाई? रस पिए कोई और, मतलब टैक्स भरे कोई और, ये नहीं हो सकता साहब, ये नहीं हो सकता। यीशु मसीह को यही हाल हमारा है, खाली मरियम और यूसुफ यीशु मसीह को जानते थे और यीशु मसीह की पावर को देखा था, उसकी कुवत को देखा था, जबकि वो उसके गोद का बच्चा था, तब भी वो यीशु मसीह को छोड़ गई। ये कैसे माँ बाप हैं जो यीशु मसीह को छोड़ गए? एक दिन तक उनको पता नहीं उनका बच्चा किधर है। एक दिन अगर, दिन का अगर 12 घंटे भी हैं, तो 12 घंटे में उन्होंने अपना बच्चा देखा ही नहीं है, किधर, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहां बैठा है, किसके साथ बातें कर रहा है, कौन है, उसको पता ही नहीं हो की रहा है। हम में से बहुत सारे लोगों का यही हाल है। चले यीशु मसीह के साथ थे, यीशु मसीह हमारे साथ था, हमारे मुसीबतों में हमें खिला रहा था, हमें पहना रहा था। जब जब पूरे पूरे कोरोना काल में किसी के घर में पैसे नहीं थे, मेरे घर में दाने थे यीशु मसीह के नाम में। मेरी जिंदगी बढ़िया चल रही थी, आशीषों में था, मेरी मुसीबतें तो थी मगर साथ में मेरी आशीषी भी मुझे फॉलो करती थी क्योंकि यीशु मेरे साथ था। मगर न जाने मेरे दिमाग में क्या आया, मैं यीशु को मंदिर में छोड़ आया। जैसे लोग अपनी चप्पलें भूल जाते हैं, मैं यीशु मसीह को छोड़कर आगे चल दिया। बाइबल बताती है वो चल तो दिए, और अब मेरे को ये समझ नहीं आई, ये कैलकुलेशन मैं समझ नहीं पाया। बाइबल बड़े क्लियरली बताती है कि वो एक दिन का सफर था। अगर मैं मान लेता हूँ कि 24 घंटे चले, वो 24 घंटे तो आदमी खैर चल नहीं सकता, शायद 10 घंटे चले होंगे। 10 घंटे चलने के बाद उन्होंने कहीं पर अपना तंबू लगाया होगा, पुराने ज़माने में ऐसा ही होता था, तंबू लगा के उन्होंने अपने अगले 10 घंटे भी वहाँ पर बिता लिए। मगर भाई साहब उसको ढूंढने में आपको 2 दिन कैसे लग गए? ये भटके हुए लोगों की कहानी है।
भटकने में एक सेकंड लगा, यीशु मसीह को भूलने में एक सेकंड लगा। शैतान शायद आपके दिमागों के साथ खेल रहा है, वो आपको चर्च में से यीशु मसीह की प्रेजेंस के सामने से निकाल देना चाहता है, या ऐसा समझिए हम निकलना चाहते हैं। हम चाहते हैं निकलना क्योंकि यहां मजा नहीं है, मजा उस तरफ है। एक बार मजा भी लेके देख लो, मजा उस तरफ है। वहां पर जो चाहे हम कर सकते हैं, जैसे चाहे हम जी सकते हैं, जैसे चाहे हम बर्ताव कर सकते हैं, और इट्स ओके, मजा है। यीशु के बिना मजा है, यीशु के बिना मैं दारू पी के चर्च भी आ सकता हूं, और दारू पी के कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। मैं कहूं यार ऐसा काम तुम कहीं और करके दिखा दो, तुम किसी किसी मंदिर में करके दिखा दो, किसी गुरुद्वारे में करके दिखा दो, तुम्हारे को इतने गट्स हैं, करके दिखाओ एक बार, क्योंकि यहां मालूम है यहां कोई कुछ कहेगा नहीं, इसलिए हम दारू पी के घूम सकते हैं, ड्रामा कर सकते हैं। करके दिखाओ तुम किसी गुरुद्वारे के अंदर, लाश तक नहीं मिलेगी तुम्हारी। किसी ने हमारे प्रेम को शायद गलत समझ लिया। बहुत गलत समझ लिया। सुलेमान भी एक ऐसा ही आदमी था। सुलेमान ने परमेश्वर का टेंपल बनाया, दाऊद ने उस टेंपल की शुरुआत करी, और सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाया। और मंदिर जब बना, बाइबल यूं बताती है, वहां पर उपस्थिति इतनी गहरी थी कि कोई भी याजक खड़ा ना रह सका। वो सुलेमान भी भटक गया, मंदिर बना दिया, उसके बाद अब क्या, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए 700 बीवियां कर ली, 700। कई लोग पाप इसलिए नहीं करते क्योंकि पाप महंगे होते हैं, चिट्टा 500 रुपए का आता है, बीड़ी 2 रुपए में कि 10 रुपए में आ जाती है, तो आपा चिट्टा नहीं पींदे, बीड़ी पींदे। चाहे तुसी चिट्टा पियो चाहे बीड़ी पियो, गलत काम ही है। चाहे तुसी मुंह में क्यूलिप रखो, क्यूलिप किन्ने दी आंदी है, 5 रुपए की। चाहे तुम अपने मुंह में हीरोइन रखो, पाप पाप ही है। क्योंकि कुछ लोग कम पाप करते हैं क्योंकि वो जेब के लिए अच्छा है। चिट्टा पीने लगूंगा 500 रुपए कौन देगा, दिहाड़ी के 400 मिलते हैं, तो इसलिए हम वो वाला नहीं करते। तो इसी लोग कई लोग लफड़े भी नहीं करते, लफड़े खाली 2 करेंगे, एक घर में एक बाहर। सुलेमान की डेयरिंग मानता हूं, 700, क्योंकि अफोर्ड कर सकते कुछ पाप भाई, वो अफोर्ड कर सकता था 700 रखना, इसलिए उसने 700 रखी, और उससे भी मन नहीं भरा, फिर 300 और रख ली, तो 1000। भाई अमीरी के भी अपने फायदे होते हैं, मगर बाइबल बताता था उसका विश्वास खो गया। जिसने परमेश्वर का भवन बनाया, बाइबल के अंदर 3 किताबें लिखी, जो परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ था, जो परमेश्वर की उपस्थिति को उतार कर आसमान से जमीन पर ले आया, वही आदमी खो गया, क्योंकि उसका ध्यान, उसका फोकस हट गया था। बोलो परमेश्वर मेरा फोकस वापस लौटाओ, जरा जोर से बोलो। फिलिपियों 4:13 यूं कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसको जरा मेरे साथ बोलिए, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे करियर को आगे ले जा सकता हूं, मेरी कोख में बच्चा ला सकता हूं, मेरे कर्जे खत्म हो सकते हैं, मेरा पति नशे से बाहर आ सकता है, मेरे बच्चे व्यभिचार से बाहर आ सकते हैं। आमेन। यीशु मसीह को छोड़ना नहीं है, यीशु मसीह को हम कई बार चर्च में छोड़कर आगे निकल जाते हैं, क्योंकि यीशु छोटा सा है। जैसा आपका फेथ है आप वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को देख पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपका फेथ इतना सा है तो आपको यीशु भी इतना सा ही दिखेगा। अगर आप पश्चिमी देशों को देखें, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, वो हमसे बाद में चालू हुए, उनकी इकोनॉमी हमसे आगे कैसे चली गई? ना उनके पास कोयला, ना उनके पास लेबर, ना उनके पास कोई और मेहनत, ना उनके पास कल्चर। मतलब घुसलखाने भी तो 50 साल पहले ही बने उनके पास। हम तो मोहनजोदड़ो के टाइम से घुसलखाने इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। हुआ क्या? वचन।
वो वचन पे एतबार करते गए, वो आगे चलते गए। जो भी वचन पे एतबार करेगा उस परमेश्वर को अपने पास रखेगा, परमेश्वर उसको आगे जरूर ले जाएगा। ये आपके हालात के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आप कहां से शुरुआत कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये आपकी 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 पढ़ाई के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कई बार हम ऐसे प्रचार को सुन रहे हैं, मैं जानता हूं मुसीबत काफी होती है, भूख लगी है मुझे भी, खाली पैर मैं भी घुमा हूं सड़कों के ऊपर, गरीबी क्या होती है मैंने भी देखा है, बीमारी क्या होती है जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आप मेरी बीमारी चेक करो, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है उसको समझ कुछ नहीं आता, और दर्द इतना हो रहा है कि अंदर से कोई आपकी रूह निकाल रहा है। उस जगह से होकर गुजरा हूं मैं, मुझे मालूम है ये सारी बातें, मगर इसका मतलब ये नहीं मैं कॉम्प्रोमाइज पे चलते लगूं, कॉम्प्रोमाइज समझते हैं, समझौता करने लगूं, ईशु को कहीं भी छोड़ दूं, कहीं भी कोने में, ईशु तो छोटा सा है साइड में रखो, अभी जो हमारी प्रॉब्लम है उसको मुकाओ। आप कभी भी अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाओगे अगर आपने ईशु मसीह को छोड़ दिया। अंडरलाइन कर लीजिए उस स्टेटमेंट को, प्रभु यीशु के बिना छुटकारा है ही नहीं। हम सोचते हैं मेरा पैसा बड़ी चीज है, मेरा छुटकारा मेरी चंगाई बड़ी चीज है, क्या आपको मालूम है आपका उद्धार सबसे बड़ी चीज है? पैसा छाती पे रख के ऊपर ले जाओगे, हाँ लेके जाओगे मौत? आप चाहे कितने भी अमीर हैं, आपने पिछले साल देखा, पिछले 3 सालों में देखा, गरीब मरते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, अमीर मरता है तो न्यूज बनती है। कितने अमीर मर गए, उनके बैंकों में रखा हुआ करोड़ों रुपया उनको बचा नहीं सका। क्या ये आपके लिए समझदारी की बात नहीं है कि रुपए से आप बचोगे नहीं? मौत आपसे पूछेगी नहीं कि तेरी बैंक में कितना पैसा है? उनकी पढ़ाइयां उनको बचा नहीं सकी, मौत उनसे पूछेगी नहीं कितना पढ़ा लिखा है? अच्छा तूने पीएचडी किया है, मैं कल आना, पढ़ा लिखा है अपॉइंटमेंट लेके आना। मैं उनका ओहदा उसको बचा नहीं सका, वो कितने सुंदर दिखते हैं वो उसको बचा नहीं सका, ये सब चीजें उनको बचा नहीं सकी। एक समय हमारी जिंदगी में भी ऐसा आएगा, शायद कोई चीज मुझे बचा नहीं सकेगी, मगर मेरे पास ये आशा है कि जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं वो मरेंगे नहीं बल्कि अनंत जीवन पाएंगे। आप इसको सबसे छोटा समझते हैं, कलीसिया इसको सबसे छोटा समझती है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है कि इसमें ताकत क्या है, उम्मीद में ताकत क्या है। उम्मीद आ जाए तो आप आसमान फाड़ सकते हो। मजेदार बात है कि वो यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। हम भी कई बार यीशु मसीह को पीछे छोड़कर चले जाते हैं, मगर मैं आज सोचना चाहता हूं यीशु मसीह को हम अपनी जिंदगी में बढ़ता हुआ देखते। वो गीत मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि तू बढ़े मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं। वो बढ़ेगा कैसे? अगर हमने एक विश्वास का एक बीज बोया है, कल बोया है आज काटना है, कल बोया है। कल मैं चर्च गया था, आज मुझे मैं मिरेकल्स के खिलाफ नहीं हूं, ये किसी के साथ कभी भी हो सकता है, हमारे बीच में लोग गवाही के रूप में बैठे हैं, मगर जो विश्वास का फल है उसको आप एक दिन में नहीं काट सकते। बाइबल बताती है जो रोते हुए बोते हैं वो हंसते हुए काटेंगे, मगर काटेंगे कब? अपने सीजन में, अपने सीजन में। आपका काम है बोना और उस पौधे की देखभाल करना, फल परमेश्वर देगा। यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझ में बने रहो तुम खुद फलवंत हो जाओगे, अबाइड इन मी एंड यू शैल बेयर मच फ्रूट, कि मुझ में जुड़ो और फलवंत हो जाओगे। मगर हमने तो यीशु मसीह को कहीं पीछे मंदिर में छोड़ रखा है, उसको हमने छोड़ रखा है, उसको हम भूल गए हैं। हम में से कितने लोग, कितने मर्द ऐसे हैं अपने घर के अंदर, आप बोलोगे कि मैं घर में सबको बिठा के प्रेयर कराता हूं। औरतें अपनी अलग करती हैं घर में, हम प्रेयर कितनी बाथरूम में नहाते नहाते। कितने मर्द यहां पर ऐसे बैठे होंगे, बोले ओए चल काम छोड़, खाना बाद में, बैठो बैठो इधर बैठो, आओ हम प्रार्थना करेंगे। फिर बोलते साढ़े बच्चे साड़ी गल नहीं सुनते, तू अपने प्यो की गल सुनता है? जो वो देख रहे हैं वही वो कर रहे हैं, जो आप बो रहे हो वही आप काटोगे, आप रोते हुए बोओगे। खुदावन मुझसे समझ नहीं आ रहा, मैं इतने मुसीबतों में से ईमानदारी में से कैसे चलूं, मैं इतनी ईमानदारी कैसे रखूं खुदावन, मेरे से नहीं हो रहा, नहीं हो रहा मिनिस्ट्री मेरे से ईमानदारी से। बेईमानी से कर सकता हूं, झूठ 4 आदमियों को बोल सकता हूं और 4 आदमियों को ऐसा झूठ बोलूंगा कि वो यहां टिके रहेंगे।
मगर ईमानदारी से मुश्किल है। झूठ बोल के चोरी चकारी करके लोगों को संभाल के रखना बड़ा आसान है, मगर प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़ा रहना, अपने अपने उसूलों के ऊपर खड़ा रहना बड़ा मुश्किल है। छितर आपको ही पढ़ते हैं, बड़ा मुश्किल है, मगर यीशु मेरे साथ है, मैं सब कर सकता हूं। हो रहा है अभी, मैं रोते हुए बो रहा हूं, हंसते हुए काटूंगा अभी, अपने सीजन में, मेरे सीजन में। मैं तब तक मरने वाला नहीं जब तक मेरा सीजन ना आ जाए, क्योंकि जिंदगी और मौत की कुंजी उसके हाथ में है। कोई तो कहे हालेलुया। होता यह है कि जब हम सेवकाई के बारे में बात करते हैं, पंजाब में बहुत बड़े बड़ी सेवकाइयां हैं और हमारे पास है मुट्ठी भर लोग, और हर संडे आप सोचते हो कि परमेश्वर तूने मेरे को बोला था बाहर टीवी स्क्रीन लगाने के लिए, परमेश्वर आपने हमारी कलीसिया में बहुत सारे लोगों को दर्शन दिया टीवी स्क्रीन लगाने के लिए कि बाहर तक लोग आएंगे, मगर यार हमारे घटते क्यों जा रहे हैं, घटते क्यों जा रहे हैं, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। यहां तो तूने बोला था कि बैठने की जगह नहीं होगी, कुर्सियां बाहर लगाओ, यहां पे खाली दड़ी लगाओ, मगर हम घटते क्यों जा रहे हैं। ले हैंड्स मीटिंग चालू कर, स्पेशल प्रेयर चालू कर, ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर, और भी जो साबुन तेल बनियान एक्सेट्रा एक्सेट्रा सॉल्ट सब चालू कर। अच्छा, ये है दिमागों के ऊपर बनने वाला कोहरा, क्योंकि वो कामयाब हो रहे हैं, हम भी कामयाब हो सकते हैं। मेरा और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूं और वो जाने किसका काम कर रहे हैं। जिस काम के लिए मेरे को बुलाया गया है मैं उतना ही करूंगा, क्योंकि मेरा बाप मुझसे वो चाहता है। जो मेरा बाप मुझसे नहीं चाहता मैं क्यों करूं। इसी तरीके से वो गए कादियां वाले बाबा दे कोल, उन्हां दा घर बन गया। अच्छा तू भी चल, घर किद्दा बन गया, चार दीवारी और उसमें एक टॉयलेट जिसके अंदर दरवाजा भी नहीं है, उसको वो घर बोलते हैं। कादिया वाले बाबा ने ब्लेस किया उनको। हमारी सोच को क्या हो गया, जब हमारे को जो दिया गया है जब वो मिलता नहीं है, लोगों के साथ हम अपने आप को कंपेयर करने लगते, चलो जी इसके जैसा, जैसा ये कर रहा है शायद इसके तरीके में कोई बढ़िया चीज है। बाइबल बताती है इनके बच्ची ये 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 जंगली घास की तरह हैं, जितना जल्दी उगते हैं उतना जल्दी खलास भी होते हैं। आप अपने सीजन का वेट करो, आप अपने वचन के ऊपर खड़े रहो, ये आप जजमेंट को क्लाउड मत होने दीजिए, दूसरी आवाजों को अपने दिमाग में मत चलने दीजिए। बाइबल बताती है यीशु मसीह यूं कहते हैं कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है, आप किसकी आवाजों को सुन रहे हैं। सुनिए, मैं बहुत लोगों को बोलता हूं गलत फेलोशिप में मत बैठिए, नशेड़ियों के साथ मत बैठो तुम्हारे ऊपर नशा आएगा, मगर उन्होंने मेरी गल कहां सुननी है, उन्होंने नशेड़ियों के साथ ही बैठना है। कि अगर आप नहीं समझते तो वो भजन संहिता एक पढ़ लीजिएगा। फेलोशिप से आप अट्रैक्ट करते हैं, जिस लोग के साथ जिन चीजों के साथ आप फेलोशिप रखते हैं वो चीजों को आप अट्रैक्ट करते हैं। आप व्यभिचारियों के साथ बैठने लगो, उनकी चार बातें सुनने लगो, आपका ऑटोमेटिकली फोन खुल जाएगा। आप गलत लोगों के साथ बैठने लगो, अचानक से ही आपका मन करेगा उस लड़की को देखूं या उस आदमी को देखूं। ये गलत सोचों की गुलामी है जो फेलोशिप से हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। आज मेरी संगति पवित्र आत्मा के साथ है या नहीं है, ये डिसाइड आज मैंने करना है कि मैं उसकी आवाज सुनता हूं, उसके कहने पे चलता हूं कि नहीं चलता हूं। क्योंकि जितने लोग उसके कहने पे नहीं चलते हैं वो आशीषित नहीं है, वो उस तरीके से है जो यीशु को खो आया है कहीं पे। फिर अचानक के एक दिन के बाद चेता आया, मेरी बरकत मेरी आशीष वो यीशु ही है, वो यीशु ही है। यीशु 12 साल का हो गया था और यीशु के भाई बहन भी थे, और भी उनके भाई बहन थे, उनको छोड़ के आए होंगे, सात भाई बहन थे, शायद चार हुए होंगे पांच हुए होंगे मुझे नहीं पता। उनको छोड़ के अकेले यीशु को ढूंढने निकले जो उनका पहलोटा था। शायद आज परमेश्वर का आत्मा आप लोगों से कह रहा है कि आज मुझे ढूंढो, क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में हूं या नहीं हूं।
मुझे ढूंढोगे तो पाओगे। हम ढूंढते ही नहीं है कई बार। कई बार हमारी प्रार्थनाएं हमारी जरूरतों के ऊपर खत्म हो जाती है। आज मुझे जरूरत है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं कहता हूं आज ढूंढो। मैं जब भी खुदावन से प्रार्थना करता हूं ना, सबसे पहले मैं कहता हूं खुदावन तू मुझे ढूंढ, कहीं मेरे अंदर कोई कमी ऐसी तो नहीं है, कोई ऐसी चीज मेरे अंदर चल तो नहीं रही है कि जो तुझे पसंद नहीं है। अगर तुझे पसंद नहीं है तो मैं किसको खुश करूं? अगर मैं तुझे खुश नहीं कर सकता तो मैं किसको खुश करूं? और जिंदगी का सारा सार, सारा सारा जो पावर है उसको खुश करने में है। आप उसको खुश करके देखिए, सारी चीजें आपकी तरफ हो जाएंगी। और ये आपका डिसिप्लिन है, ये हमेशा का काम है, ये एक दिन का काम नहीं है। बोलिए, ये हमेशा का काम है। एक उड़ाऊ पुत्र था, लुका रचित सुसमाचार में ही उसकी कहानी है। उसको एक दिन होश आया कि यार मैं अपने बाप का घर छोड़ आया और यहां पे मैं सुअरों का खाना खा रहा हूं। बाइबल बताई उसको चेता आया। चेता, ये वर्ड बड़ा अच्छा है, चेता आया। उसको चेता आया और जब उसको चेता आया वो अपने बाप के घर दौड़ने लगा। मैं नहीं जानता आज किसको चेता आ रहा है, मगर बाप किसी को आज बुला रहा है। आज बाप किसी को अपनी ओर बुला रहा है कि कह तू मेरी तरफ आ। तू कहीं ना कहीं मुझे छोड़ गया था, आज तू मेरी तरफ आ। आज 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 मैं तुझे मिलना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। आज किसी को बाप बुला रहा है। रोमियो 12 के 2 में इस तरीके से लिखा कि संसार के सदृश ना बनाओ बल्कि अपने मन के नए हो जाने से। बोलो, मेरे मन को नया कर, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए और हम परमेश्वर की भली बाउती और सिद्ध इच्छा को जान सके। मन के नए हो जाने से। आज तुम्हारा दिल किधर लगा है? आज आपका एक सवाल अपने आप से पूछिएगा और उसका जवाब भी खुद दीजिएगा कि आज मेरा दिल किधर है, आज मेरे दिल के अंदर क्या सोच है, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं किस तरफ जाना चाहता हूं, मैं किन चीजों को करना चाह रहा हूं, मेरे दिल में क्या चल रहा है। आज इस बात को जानना बड़ा जरूरी है। आज मेरा दिल कहां धड़क रहा है, किस चीज के लिए धड़क रहा है, इस बात को आज जानना बहुत जरूरी है। क्या आपका दिल उस ईशु की तरफ धड़क रहा है? अगर आप ईशु को ढूंढना ही चाहते हैं तो आप कहां ढूंढोगे? क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? क्या मंदिर में गंदगी रह सकती है? अगर मैंने को अपनी लाइफ में यीशु मसीह, अगर आपने अपने घर में आज किसी प्राइम मिनिस्टर को, किसी मंत्री को बुलाना है तो उसको कैसे बुलाएंगे? अपने घर गंदा रखेंगे? क्या करेंगे, क्या करेंगे? सफाई करेंगे। जो आप बेस्ट कर सकते हो वो आप करोगे। चाहे आपके पास एक टूटी हुई चारपाई भी है तो उसके अंदर अच्छे से चादर बिछा के सुंदर करके रखोगे ताकि वो बंदा आए और खुश हो। क्या आप अपनी लाइफ में यीशु मसीह को चाहते हो? तो मैं नहीं जानता आपकी चारपाइयां कहां टूटी हुई हैं, कहां आपकी दीवारों के प्लस्तर गिरे हुए हैं, क्या हो रहा है मुझे नहीं इसको पता, ना मुझे इसका मतलब है। क्या आप झाड़ सकते हो उस लाइफ को? जो कोई भी धूल शैतान ने आपकी लाइफ में डाल रखी है, चाहे वो गुस्से की है, गरीबी की है, सोचों की है, कड़वाहट की है, उस धूल को आज अपने झाड़ू से आज साफ करो। आज अपना प्रार्थना का झाड़ू उठाओ और कहो कि यीशु के नाम में साफ हो जा। उठाओ उसको, आपने बोले उसके पास है, मेरे पास कैसे नहीं है? परमेश्वर तू शायद मुझसे प्यार नहीं करता, ये झूठ है। वो आपसे बड़ा प्यार करता है। वो झाड़ू को लगाओ आज, उन चारपाइयों के ऊपर सुंदर चादरें बिछाओ और कहो कि परमेश्वर आज मैं तुझे ढूंढता हूं। और यीशु मसीह को जब मरियम और यूसुफ ढूंढने गए, यीशु मसीह ने बोला क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं अपने बाप के घर में मिलूंगा। वो आपको यहां मिलता है, यहां मिलता है। YouTube, Facebook, Instagram अच्छा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन बोलना अच्छा है, मगर सबसे ज्यादा जरूरी है ये, वो आपको यहां मिलता है। जिंदगी की थपेड़ों ने हमसे वो हाथ छुड़वा दिया, भूल गए कहीं पे, हम भूल गए, बस भूल गए। अब भूल गए तो भूल गए बॉस, भूल गए उसको। अब ये कौन सा गुनाह है मुझे नहीं मालूम, आप में से भी बहुत सारे लोग उसको कहीं भूल आए हो।
फोकस हट गया उससे। कल यही तक यीशु आपका दर्शन था, यही दर्शन था। इसी दर्शन के चक्कर में आपने अपने घर को छोड़ा, अपनी सारी जगह को छोड़ा, बैतलहम में गए, बैतलहम से मिस्र देश में गए, मिस्र देश से वापस नासरत में आए। ये सब यीशु मसीह के लिए, ये सब यीशु मसीह के लिए। और अचानक से उसी यीशु मसीह को आप भूल गए। आइए आइए आज आज परमेश्वर से कहें कि खुदावन मैं तुझे भूल गया था, मैं आज एक नया, मैं वापस तेरे पास आना चाहता हूं, मैं वापस तेरे साथ वो रिश्ता बनाना चाहता हूं, मैं वापस वो रिश्ता बनाना चाहता हूं, मैं वापस तुझको मिलना चाहता हूं, वापस मैं तेरे को, तेरे हाथों को पकड़ना चाहता हूं, वापस मैं तेरे साथ बैठना चाहता हूं, वापस मैं तेरे साथ वो सारी बातें जो मैं कहीं छोड़ आया था, मैं वापस से वो करना चाहता हूं। आज मैं वापस वो रिश्ता चाहता हूं परमेश्वर, मुझे माफ कर खुदावन कि मैं तुझको समझ नहीं पाया, मैं कहीं छोड़ आया तुझे। ये दुनिया वाले मेरे को धक्के में, अपनी फेलोशिप में, अपनी बातों में फंसा के मुझे कहीं तुझसे दूर ले गए थे, मगर मेरे को एक दिन के बाद चेता आ गया, मुझे आज चेता आ गया परमेश्वर कि तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं पिता। खुदावन मुझे चेता आ गया, मैं जानता हूं कि मेरा सीजन आने वाला है, और जब मेरा सीजन आएगा मैं बरकतें पाऊंगा। मेरा सीजन आने वाला है परमेश्वर, ये आने को ही है, वो आने को ही है, मेरा सीजन आने को है, मेरा वो मौसम आने को है जब मैं कटनी काटूंगा। मुझे तेरी जरूरत है जब मैं कटनी काटूं परमेश्वर।